हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सिंघाड़े की बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कोई भी फेस्टिवल पे हम बना के खा सकते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या नवरात्रि हो। व्रत में ये अक्सर यूज किया जाता है, जैसे कि हम नवरात्रि व्रत रखते हैं, शिवरात्रि व्रत रखते हैं, या तो हम मंगलवार करें या गुरुवार करें। इस प्रसाद को बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। देखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंघाड़े का बर्फी बनाने के लिए हमने लिया है एक बॉल सिंघाड़े का पाउडर, एक बॉल शक्कर, एक बड़ा चम्मच देसी घी। तो सिंघाड़े का पाउडर हमने इसी पैकेट का यूज किया है, ये मार्केट में इजिली मिल जाता है। इसी पाउडर से हम या तो नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो हम फलाहारी में इसे हलवा, पूरी या तो इसका बर्फी बना के खाते हैं। तो आज हम आपको बर्फी शेयर कर रहे हैं। अब हम इसे गैस की तरफ ले चल रहे हैं। गैस पे हमने एक बड़ा सा कढ़ाही ले लिया है। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाही को गर्म होने देंगे और उसमें हम ये सिंघाड़ा का पाउडर डाल देंगे। सिंघाड़ा का पाउडर बनाने से पहले छान लेना चाहिए और इसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। भूनने में हमें 10 से 12 मिनट लग सकता है क्योंकि हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, मीडियम करेंगे, स्लो करेंगे, मीडियम और स्लो करके हम भूनेंगे। तो हम भून लेंगे, उसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। हलवा बनाने के लिए हमें मोटी बेंदी की कढ़ाही चाहिए, नहीं तो पाउडर जलने का चांसेस रहता है और चलाने का स्पीड भी फास्ट होना चाहिए, तभी हम अच्छे से पाउडर को भून पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने मीडियम स्लो फ्लेम करके आटे को भूना है तो इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। और दूसरी पहचान है, ये बिल्कुल हल्का लग रहा है जब हम इसे चम्मच से चला रहे हैं। तीसरी पहचान है कि एक अच्छी सी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस कढ़ाही से आटे को एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम किसी कपड़े की मदद से कढ़ाही को पकड़ेंगे और इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी गैस पे फिर मैं यही वाली कढ़ाही रखेंगे और जिस कटोरी से हमने आटे का यूज किया था उसी कटोरी में हम पानी भर के और कढ़ाही में डाल देंगे। मेजर यहाँ पे बहुत मायने रखता है बर्फी बनाने में, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया तो अपनी बर्फी जो है वो गीली हो जाएगी। अब हम पानी डाल दिए हैं और इसी पानी में हम ये शक्कर छोड़ देंगे। हम ऑन कर लेंगे और शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट इसे पिघलाना है गर्म पानी में। तो ध्यान रहे, कभी कभी चलाते हुए आप इसे पिघलाइए। तब तक हम जो पाउडर भूने हैं सिंघाड़े का, उसका घोल तैयार कर लेते हैं। आपको मैं बता दे रही हूँ, ये सिंघाड़ा का पाउडर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसी कटोरी से माप के इसमें एक कटोरी और पानी डाल रहे हैं। ये पानी बिल्कुल ठंडा है और इसी में हम इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे। तो हम एक चम्मच की मदद से इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये घोल बनाने का रीजन है कि जब हम इसे कढ़ाही में पकाएंगे तो कोई लम्स नहीं रहेगा। जब हम गरम गरम कढ़ाही में सिंघाड़ा भून के और डायरेक्ट पानी अप्लाई करते हैं तो उसमें काफी सारे लम्स यानी कि गांठे जैसे दिखता है, फिर तो वो हलवा भी टेस्टी नहीं लगता और न ही बर्फी। तो अभी अपनी ये घोल गाढ़ी है तो इसमें हम आधी कटोरी और पानी डाल रहे हैं और इस घोल को थोड़ा सा और पतला कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपना सिंघाड़े का घोल तैयार हुआ। अब हम चलते हैं अपनी शक्कर की तरफ, जिसे हम गैस पे पिघला रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी के साथ अपनी शक्कर जो है वो पिघल चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे आधी घी। घी हम आधा इसमें डाल देंगे और इसे भी पिघला लेंगे, क्योंकि हमने जब पाउडर भूना है उस टाइम बिल्कुल घी का यूज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं शक्कर पिघल चुका, पानी में उबाल आ चुकी है
अब हम एक बोल जो बनाए हैं अपना भुना हुआ सिंघाड़े पाउडर का, उसको इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू हम इसे चलाएंगे। पानी से हम थोड़ा सा इसे और उघाड़ लेंगे, यानी कि टोटल अपनी 3 कटोरी पानी यूज हुआ है हलवा बनाने में। तो मेजर का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 कटोरी सिंघाड़े का हलवा बनाने के लिए हमें 3 कटोरी पानी यूज करना है। एक तो हमने शक्कर के साथ उबाल लिया और 2 कटोरी घोल में। अब हम तेज फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कितना सुंदर कलर आया है, एकदम खिला खिला अपना बर्फी का डो तैयार हो रहा है। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये चलाने में बिल्कुल हल्का लग रहा है और बस 4 से 5 मिनट में ये गाढ़ा ही हो गया, क्योंकि पानी में पहले से उबाल आया हुआ था। आप देख सकते हैं अपना हलवा जो है काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम फाइनली इस पे शाइनिंग आने के लिए जो बचा हुआ घी है वो डाल देंगे। थोड़ा सा घी हम प्लेट ग्रीस करने के लिए रख लेंगे और घी डालने के बाद हम एक बार अच्छे से हलवा को फिर से चला लेंगे। अपनी बर्फी की डो एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। हम फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और हम अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। हमने एक थाली ले लिया है, थाली को घी से हम ऐसे ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है, अपनी बर्फी जब कटेगी तो आसानी से निकल जाएगी। अब हम इसी थाली में अपना ये सिंघाड़े का डो जो है उसे निकाल लेंगे। ये जमने के बाद बहुत बढ़िया बर्फी तैयार होता है। हमने बर्फी का डो थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से गरम गरम ही डो को पूरी थाली में फैला देंगे। आपको जितनी थिकनेस रखनी है उतना रखिए, 1 इंच की बर्फी परफेक्ट होती है। तो हम इसे ऐसे फैला देंगे, आप देख सकते हैं ये आसानी से फैल जा रहा है। हमें हाथ नहीं लगाना है, चम्मच की मदद से ही हम इसे फैला लेंगे। इक्वल होना चाहिए चारों तरफ, ऐसे घुमा घुमा के आप फैला दीजिए। तो आपने देख लिया, हमने इस स्पैचुला से ही इसे अच्छे से फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ये घी जो है वो लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो बर्फी अपनी शाइनिंग करेगी, नहीं तो ऊपर का जो परत है वो सूख जाता है। तो यहाँ पे हमने हल्का हल्का घी लगा दिया। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर अपने मनपसंद सेब का बर्फी तैयार करेंगे। अपनी बर्फी की डो ठंडी हो चुकी है, अब चलिए हम इसे काट लेते हैं। तो हम अपने मनपसंद सेब में काटेंगे। पहला कट हम बीच से लगा दे रहे हैं। हम थोड़ा सा ऐसे क्रश करके इसके कट लगाएंगे तो ये बर्फी का सेप तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा क्रश करते हैं थाली को। अब हम आपको एक बर्फी निकाल के दिखा दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया बर्फी तैयार हुई है। देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हम एक प्लेट लेंगे और एक एक बर्फी को ऐसे सजा लेंगे। आप अपने मनपसंद सजावट कीजिए, हम तो ऐसे ही सजा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सिंघाड़े का बर्फी बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। तो इसे आप भी कोई भी फेस्टिवल हो बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।